morning students of 6th class, now we are going to the discuss about the prime number and composite numbers. Which are prime numbers, what is the prime definition of prime number, and what is the definition of composite number, we will discuss today. Okay, so students, prime number kisko bolte hain? Prime number is the numbers which having exactly two factors, one and the number itself, these numbers are called prime numbers. Okay, so student, prime number kya hota hai? Jis number ka only two factors hota hai, one and number itself. Okay, to usi number ko, koi bhi aisi wali number ko jiska two factors hota hai only, kaun si factors? One and number itself, to us number ko kya bolte hai? Prime number. Okay, so students, prime number ki definition aa gaya. After that, prime number ki example kya hai? Jaise 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okay, ye prime number hai ke nahi? Dekho, ye sabhi number prime number hai. Kyun prime number hai? Kyunki is sare numbers ka factors kya hai? 1 and number itself. Jaise koi bhi ek example le lo, 5. 5 ka factors kya hota hai? 5 1 se to divide jata hai, 2 se divide jata hai, 5 no, 3 se no, 3 ki table mein nahi aata hai 5, 4 ki 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 5 nahi aata, 5 ki table mein 5 1 ja 5, to 5 ki table mein aata hai. To student dekho, iska 5 ka only two factors, 1 and number itself. 5 ka 5 ek factors hai aur 1 ek factors hai, iske alawa 5 ka aur koi factors nahi hai. तो 5 को क्या बोल सकते हैं? 5 इज ए प्राइम नंबर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इधर जितना भी नंबर है सारे प्राइम नंबर्स है, क्योंकि सारे नंबर्स का, जैसे 13, 13 का फैक्टर क्या है? 1 एंड 13. इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं है 13 का. 17 का फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 17. ओके, 19 का फैक्टर्स क्या है होता है? 1 एंड 19. ओके स्टूडेंट्स, ये सारे जितना भी प्राइम नंबर है, 1 और नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर्स नहीं है, सो वी कैन से दैट दोस दिस नंबर्स आर प्राइम नंबर. अंडरस्टैंड्स? सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपोजिट नंबर. व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स. वन और नंबर इटसेल्फ तो प्राइम नंबर में आ ही गया, तो इसके अलावा और भी फैक्टर्स अगर है किसी नंबर में तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फैक्टर्स नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. अंडरस्टैंड? सो एग्जांपल 6, 8, 12, 16, 24. देखो स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर में कितना फैक्टर्स होता है? मोर देन टू, टू से ज्यादा होता है. एवरी नंबर का तो टू कॉमन फैक्टर्स है ही, वन एंड नंबर इटसेल्फ, इस जो जिसका वन एंड नंबर इटसेल्फ ओनली है, टू ही फैक्टर्स है, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और टू से ज्यादा है तो कंपोजिट नंबर में आ जाता है. अंडरस्टैंड? तो कंपोजिट नंबर देखो स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मोर देन टू फैक्टर्स है, जिस नंबर का मोर देन टू फैक्टर्स है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर. तो देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूं. जैसे कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जैसे 6, पहले तो 6 का क्या क्या फैक्टर्स है? 6 का फैक्टर्स है 6 इक्वल टू 1 इंटू 6, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 is equal to 6 into 1. So student, we can say that the factors of 6 equal to 1, 2, 3 and 6. 1, 2, 3, 6. Ye factors aa gaya. Jis factors ka factors, number of factors more than 2. 1, 2, 3, 4. 6 ka 4 factors hai. So 6 is the composite number. After that, agar 8 ke baare mein baat kar rahe hain, तो देखो 8 भी एक कंपोजिट नंबर है. कैसे? 8 का फैक्टर्स निकालो, 8 इज इक्वल टू 1 इनटू 8,
8 इक्वल टू 2 इंटू 4, 8 इक्वल टू 3 से नहीं जाता है 8, 4 से जाता है, तो 4 इंटू 2, 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1. सो स्टूडेंट वी कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8. सो फैक्टर्स कितना आ गया 8 का, 4 फैक्टर्स आ गया. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ऐसे ही. सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट 8 इज द कंपोजिट नंबर, ओके, जिसका 2 से ज्यादा. देखो अगर प्राइम नंबर होता 1 और नंबर इटसेल्फ इसका फैक्टर्स होता, लेकिन कंपोजिट नंबर है 1 और 8 के अलावा बाकी और भी है, मतलब जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आफ्टर वन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, लास्ट वाला 24, जैसे 24 का कितना फैक्टर्स है निकाल, तो 24 इज इक्वल टू 1 into 24, 24 is equal to 2 into 12, 24 is equal to 3 into 8, 24 is equal to 4 into 6, 4 6 is at 24. आ गया स्टूडेंट्स, तो ऐसे रिपीटेशन आप कर सकते हो, जैसे 1 into 8, same to same, 24 into 1 हो सकता है, 12 into 2 हो सकता है, ये 8 इंटू 3 हो सकता है, मतलब इसके बाद में करूंगा तो रिपीट हो जाएगा, मतलब इधर से रिपीट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट 6 इंटू 4, सेम टू सेम है कॉन्सेप्ट, तो वी कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. These are the factors of 24. So we can say that 24 is also a composite number. Understand, students?